धूप भाई बिल्कुल सर पे आ चुकी है। ये रास्ता ना नया निकाला है, ये रास्ता सीधा एयरपोर्ट जाएगा द्वारका से होते हुए। सब जगह कबूतर के और यहाँ पे भी क्या आज क्या रस है, ऐसे मीठा पानी पिलाते हैं, सोई सेवा कर रहे हैं गर्मी में। सो लो जी, थोड़ा बहुत चाम मिलना स्टार्ट हो चुका है। कांगड़ से वो कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप पीछे ध्यान नहीं देते ना, कोई हाथ जा रहा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे सभी, आई होप कि सब बहुत ही बढ़िया हो गए भाई। सुबह सुबह हम अपना बाइक लेकर और बाइक पर सामान लोड कर निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। थोड़ा लेट हो चुका हूँ मैं, क्योंकि निकलना मुझे 5:30-6 बजे था और आज भाई 11 है, खड़िया 11 आई थिंक बोलते हैं उसे। आज हर जगह मीठा पानी बटेगा। कल भाई हमने खा लिए कुलचे छोले और कसम से भाई क्या पेट खराब हुआ हमारा, क्योंकि इसमें मसाला इतना तेज था ना भाई। बस साईं बाबा का नाम लेते हैं और वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल, मैं टोटा अपना साईं विशाल मुजाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बीएम व्लॉग्स। धूप भाई बिल्कुल सर पे आ चुकी है और वैसे तो मेरे हेलमेट के अंदर एक सनग्लास वाला ऑप्शन भी है, डबल मिरर है, लेकिन फिर भी ना धूप इतनी तेज है कि सीधा आंखों में लग रही है। इसलिए अब हमें आराम आराम से ही बाइक चलाना पड़ेगा, क्योंकि धूप बहुत तेज है, आंखों में ना रिफ्लेक्शन पड़ रहा है धूप का, जिसके कारण से सामने देखने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। आपको शायद उतना नहीं नजर आ रहा होगा जितना मुझे नजर आ रहा है। वैसे तो मेरे पास एक सनग्लास भी, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी पहन लूंगा मैं, डबल शेड हो जाएगा डार्कनेस का, जिसके कारण धूप हमारी आंखों में लगेगी नहीं ज्यादा। धूप इतनी तेज है ना भाई कि हमें बाइक रोक के ना बैक से सनग्लासेस निकालने पड़े, क्योंकि आंखों में इतना रिफ्लेक्शन आ रहा था ना, बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसमें भाई एक अंदर सनग्लासेस का ऑप्शन और भी है और एक ये व्हाइट वाला है, लेकिन फिर भी इतना रिफ्लेक्शन आ रहा था ना आंखों में कि बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अभी चलते हैं, क्योंकि सफर अभी हमारा बहुत लंबा है और गर्मी बहुत ज्यादा है। सनग्लास पहनकर थोड़ा सुकून तो मिला है हमारी आंखों को, रिफ्लेक्शन कम आ रहा है धूप का, अब ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे से बाइक चला सकते हैं। पहले तो भाई इतना धूप का रिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि धूप अभी सामने ही है ना, बट अब सनग्लास लगा के ओके। तो ये देखिए टैंक जा रहा है पठानकोट ट्रेल सर्विस, ये क्या पठानकोट से लेकर आए हैं। जब सुबह मैं घर से निकला तो मम्मी कहते इतनी मोटी जैकेट पहन के क्यों जा रहा है, राइडिंग जैकेट को मम्मी कहते हैं, भी इतनी मोटी जैकेट क्यों पहन के जा रहा है। तो मैंने बोला कि ये सेफ्टी के लिए है और जब लॉन्ग ड्राइव कर दो इसको जरूर पहन के जाना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इस फर्स्ट। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम इतनी धूप नहीं दिल्ली क्यों जा रहे हैं, वो भी बाइक को लेकर। वैसे मैंने आपको बता ही दिया था प्रीवियस वीडियो में, हमारी बाइक की सर्विस भी होनी है और भी थोड़े बहुत काम है तो वो भी होने हैं। धूप तो भैया रहेगी रहेगी, अब ये तो है नहीं कि हम लंबे टाइम तक बाइक को यहाँ छोड़ सकते हैं। और यार मैं ना हमेशा सोचता हूँ कि रेगुलर व्लॉग करूँगा, मैंने बहुत सारी वीडियो में बोल चुका है, लेकिन पता नहीं भाई क्या हो जाता है क्या नहीं, या तो कहीं ना कहीं आप लोगों के प्यार में थोड़ी कमी आ रही है। वो एक शायरी ये कहते हैं कि तेरे इश्क में ऐसी मिलावट है कि या तो हम बहक जाते हैं या महक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके इश्क में मिलावट है, इसीलिए मैं बार बार बहक जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई हम व्लॉगिंग करेंगे, रेगुलर व्लॉग स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और वो कमी आप सबके अंदर है। तो आप सब लोग प्यार दिखाइए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कैमरा उठा के व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दूँ। कौन कौन चाहता है कमेंट में फटाफट बता दो। भाई क्या गर्मी की लपटें चल रही है यार, मतलब कि मैंने राइडिंग शूज़ पहन रखे हैं, इतने हैवी शूज़ हैं वो, उनमें भी ना ऐसे गर्म हवा की लपटें चल रही है, मतलब पता लगता है ना कि जैसे गर्म हवा चल रही है तो फफका सा आता है ना, जैसे एक हवा सी आती तेज हवा सी, वैसा महसूस हो रहा है मेरे को शूज़ के ऊपर। और इस गर्मी में अगर आप भी ड्राइव कर रहे हैं ना तो पानी पीते रहिएगा भाई, पानी की बोतल हमेशा पास रखो, नॉट इवन राइडिंग, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं चाहे वो 1 घंटे का रास्ता हो चाहे आधे घंटे का, तो भाई पानी की बोतल साथ लेके जाओ, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा है। जैसे भाई मैंने आपको बताया था ना सुबह कि आज 11 है, ऐसे मीठा पानी पिलाते हैं, सोई सेवा कर रहे हैं गर्मी में, और हमने तो भाई पानी पिया है। चलते हैं अभी ना, तो हमारे इंद्रदेव सुन रहे हैं ना ही सूर्य देव। तो हनुमान जी गर्मी बहुत हो चुकी है, सूर्य देवता को खाने का टाइम आ चुका है, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। मैं काफी देर से लगभग कांगड़ से वो कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप पीछे ध्यान नहीं देते ना, कोई हाथ हिला रहा है। मैं एक्चुअली पता है पीछे व्हीकल दे रहा है, क्योंकि पीछे व्हीकल तो नहीं आ रहा मेरा, उस पर फोकस रहता है। आप कहाँ से सर? मैं फतेहाबाद से हूँ। अच्छा, फतेहाबाद से। वो दीप रंजन नहीं है क्या सचान? हाँ हाँ, फॉलो करता हूँ कई बार। अच्छा अच्छा, थोड़ा नेट का थोड़ा जो है।
स्टिकर भी ना मेरे उसमें पड़े हैं टॉप बुक्स में ना, नया स्टिकर देता आपको याद रहता। यार एक काम करो, फोटो क्लिक कर लो, ये लगाओ ना आगे। नाइस टू मीट यू। अभी हमें एक भाई मिले पीछे, तो वो बोल रहे थे कि मुझे काफ़ी देर से पीछे फॉलो कर रहे थे, तो मेरा भाई ध्यान रहा नहीं एक्चुअल में, क्योंकि मेरा ध्यान रहता है आगे या साइडों में। अगर हम सुबह सुबह उठ के राइडिंग कर लेते तो अब तक तो हम दिल्ली भी पहुंच जाते, बट हम इतने आलसी हो चुके हैं ना इन दिनों में भाई, कोई भी काम करना हो ना तो ये होता है कि यार धूप बहुत तेज है, रुक कर करेंगे। वो जो बाद वाला काम है फिर वो आपको पता ही है कि वो बाद का ही रहता है, तो ये हमारी पनिशमेंट है। पानी की प्यास भी मुझे बहुत लग रही है। आगे एक ढाबा आएगा वहाँ रुकते हैं, यहाँ पे मैं हमेशा ही रुकता हूँ। ऑर्डर की पानी पीने के रुके थे, फिर सोचा कुछ खा पी भी लेते हैं, खाना हमने ऑर्डर कर दिया। और बाहर कितनी गर्मी है, यहाँ से जो हमारा दिल्ली का रास्ता है ना वो सिर्फ आधा रह चुका है, लगभग 110-120 किलोमीटर के राउंड रह चुका है दिल्ली का रास्ता। खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं और सफर को खींचते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम सिर्फ 10:51 हो चुके हैं और सफर हमने काफी अच्छा खींचा है, और ऐसे ही सफर को खत्म करेंगे और पहुंचेंगे दिल्ली। तो खाना आ चुका है हमारा, खा लेते हैं, खाने के बाद फिर मिलते हैं। खाना हो चुका है और ढाबे का नाम आपको पता ही है, सिरसा वालों का शहर पंजाब। तो जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ सिरसा से तो मैं हमेशा इसी ढाबे पे रुकता हूँ, और बाकी ये सब भाई है जो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये वीडियो में आना चाहते तो सोचा कि वीडियो में ले लेते हैं, सभी आ चुके हैं तो चलिए चलते हैं। चलो टाइम से पहुँच कर हम जाएंगे जिम, और वैसे तो मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा क्योंकि अभी तो 12 भी नहीं बजे, तो आपका भाई 1:30 बजे तक आराम से पहुँच जाएगा, थोड़ी देर रेस्ट करेगा और फिर शाम को हम चलेंगे भाई जिम। वाइजर को खोलते ही ऐसे गर्म हवा के चटके लग रहे हैं ना फेस के ऊपर, सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए मैंने वाइजर को ओपन किया है और इतने में गर्म गर्म हवा के लपटे आ रहे हैं भाई। तो लो जी दिल्ली रह चुका है सिर्फ 34 किलोमीटर। ये रास्ता ना नया निकाला, ये रास्ता सीधा एयरपोर्ट जाएगा द्वारका से होते हुए, और ये रास्ता दिल्ली के अंदर एंटर करेगा। जिसने एयरपोर्ट खेलना है वो सीधा ऊपर जाए, दिल्ली के अंदर ना आए। चलो जी दिल्ली में आ चुके हैं और यहाँ से राइट होना है, फिर दिल्ली के अंदर हम एंट्री कर जाएंगे। चलो जी थोड़ा बहुत जाम मिलना स्टार्ट हो चुका है, रेड लाइट का सामना कर रहे हैं भाई। हाय बदोबदी। अभी टाइम 12:58 हो चुके हैं, 1 बजने वाला है, और आई थिंक अभी आधा घंटा में और लग जाए, क्योंकि जिस हिसाब की रेड लाइट है ना तो हर 5-10 मिनट बाद हमें रुकना पड़ रहा है, 1:30 बजे जाएगा, बट फिर भी हम बहुत अच्छे समय पर पहुंच चुके हैं। तो भाई आ चुका हूँ घर पे और इतना बुरा हाल हो चुका है ना पसीने में, आप देख ही रहे हैं मेरी पूरी टी शर्ट पसीने में हो चुकी है, और मैं आपको कबूतरों का हाल दिखाता हूँ भाई। देखे हमारे पीछे से क्या हाल कर दिया कबूतरों ने, सब जगह कबूतर के, और यहाँ पे भी जब हम होते हैं तब नहीं होता। तो हाल तो भाई मेरा बहुत बुरा हो चुका है, सिरसा से जब मैं दिल्ली आया था ना जब मुझे इतनी थकान नहीं हुई जितना मुझे दिल्ली में एंट्री करने के बाद थकान होने स्टार्ट हुई है भाई। लेकिन फिलहाल अभी भाई थोड़ा रेस्ट करता हूँ क्योंकि पसीने में हो चुका हूँ, और थोड़ा घर का भी पूलिया ठीक कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ देर में मिलता हूँ, और तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। अभी जस्ट भाई इनसे आया हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं सो गया था, उसके बाद 4:30-5 बजे से मैं सोचा जिम चले ही जाते हैं, घर पे रह के करेंगे क्या, बोर ही होंगे। फिर अपन ने अपना बैग बिठाया और निकल गए जिम, और अभी जस्ट आई हूँ, और अभी टाइम 8:30 बज चुके हैं, खीरे हमने काट दिए और ये हमारी डाइट है जिम की। और मैं आपको एक नई चीज़ भी बताता हूँ भाई, ये देखिए ये खाली पानी नहीं है, ये है गर्मी से बचने का उपाय, मैं आपको बता दूँ कि है क्या, एक्चुअली ये है खारा सोडा। अगर आप खारे सोडे में नींबू निचोड़ कर और काला नमक डालकर अच्छे से घुमा कर उसको पियेंगे ना, तो
इससे जो गर्मी है ना वो आपको कम लगेगी। One hour later. नहा के आपका भाई रेडी हो चुका है और आंखों में नींद आप देख ही रहे हो, कान बहुत हो चुकी है। और बाय द वे मैंने खाना भी खा लिया है, थकान भी बहुत हो चुकी है। पहले ड्राइव करके हम दिल्ली पहुंचे, उसके बाद फिर जिम गए चले, तो रेस्ट करने को हमें ज्यादा मिला नहीं है, इसलिए थकान ज्यादा हो रही है। और इस वीडियो को भी यहीं तक ही रखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।